नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड शाही टोस्ट, जो बहुत ही आसानी से हम लोग घर में बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल में, और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। हम लोग बहुत ही कम समय में इसको बना लेंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। पहले हम ब्रेड को ऐसे ले लेंगे, इसको काट लेंगे। ऐसे करके बाकी ब्रेड को भी मैं काट लूँगी। चाशनी तैयार कर लेते हैं। आधी कप पानी डाल रही हूँ, उसमें मैं आधी कप चीनी डाल दूँगी। कि एक तरफ मेरी चाशनी बन रही है, एक तरफ मैं गैस पे दूध रखा है। दूध को मैं गर्म करके थोड़ा गाढ़ी कर लूँगी राबड़ी जैसे, क्योंकि मेरा ये ब्रेड शाही टोस्ट बन रहा है, इसीलिए इसको गाढ़ी करके पूरा राबड़ी बना लूँगी। पहले मैं राबड़ी बना चुकी हूँ, मेरी चैनल पे आप लोगों को मेरी राबड़ी की रेसिपी मिल जाएंगे। उसी वैसा ही मैं यहाँ पे भी राबड़ी बना रही हूँ। मैं गैस पे दूध रखा है, इसमें मैं इलायची डालूँगी, चीनी डालूँगी, मगर बहुत कम, क्योंकि मैं चाशनी बना रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ी सी चीनी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसमें मैं दो इलायची को तोड़ के डाल दूँगी, बाद में मैं ये इलायची निकाल लूँगी। देखिए चाशनी मेरी अच्छी तरह से उबल रही है। चाशनी तैयार हो चुकी है, इसको हमें एक तार दो तार नहीं करना है, ये गाढ़ा हो जाए ऐसा इसको कर लेना है। रबड़ी मेरी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, अभी इसमें मैं दो चम्मच चीनी डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें भी थोड़ा मिठास होना चाहिए। इसमें एक कढ़ाई रखा है, इसमें मैं कढ़ाई पे मैं घी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें मैं ब्रेड को फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक। घी गरम हो चुका है, एक ब्रेड मैंने डाल दिया है, अभी इसको गोल्डन होने तक मैं फ्राई करूँगी। पूरा घी में गोल्डन हो चुकी है, अभी इसको मैं निकाल लूँगी और एक प्लेट पे सजा के रख दूँगी, और बाकी जितने ब्रेड ऐसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तैयार हो चुकी है, अभी इसमें से मैं इलायची निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। चाशनी मेरा हल्का गरम है, अभी हमें क्या करना है, ब्रेड के जो टुकड़े हैं उसको चाशनी में ऐसे डिप करके इसको निकाल के एक प्लेट पे रखना है। ऐसे करके मैं सारे ब्रेड को एक एक करके चाशनी में डिप करके एक प्लेट में रखूँगी। देखिए इसको मैं चाशनी से निकाल लिया है, अभी इसके ऊपर मैं रबड़ी दे दूंगी। देखिए ऐसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप लोग ज़रूर एक बार घर में बना के देखिए, रक्षाबंधन में इसको सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मेहमान आ जाए तो झट से इसको बना लीजिए। ऐसे करके पूरा रबड़ी में इसको भिगो दूँगी। ये मेरा रक्षाबंधन स्पेशल की मिठाई है, बाहर से ज़्यादा मिठाई लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग एक आध ऐसे ही करके ही घर में बना सकते हैं। देखिए पूरा कितना लच्छेदार रबड़ी है, उसके साथ ब्रेड टोस्ट है, कितना प्यारा है। आप लोग ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा, इसको ज़रूर एक बार घर में बनाइए।